दोस्तों, आपको टेस्ट भी करवाया जाएगा, ट्रिक भी बताई जाएगी। तो जल्दी से बताएं बकरी बिलाप के रचनाकार कौन है। दोस्तों 2 सेकंड है आपके पास, और आपको पता है दोस्तों कि भारत में बकरी बहुत हैं, भारत में बकरियां बहुत हैं। अगर किसी की बकरी को थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो लोग बिलाप करने लगते हैं। भारत में किसी की बकरी को किसी थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो क्या करने लगते हैं, बिलाप करने लगते हैं। कहाँ पर? भारत में। तो बकरी को कुछ हो जाता है तो बिलाप करने लगते हैं भारत में, तो भारतेंदु। किसकी रचना हो जाएगी ये? भारतेंदु। बोले बकरी को कुछ हो गया तो बिलाप करते हैं भारत के लोग, तो भारतेंदु जी की ये रचना हो जाएगी। यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों आनंद अरुणोदय की रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है कि लास्ट में आपको एक चैलेंज प्रश्न दिया जाएगा और इसका उत्तर आपको लिखना होता है, और सबसे अच्छी ट्रिक आपको कौन सी लगी वो आपको बताना होता है। ठीक है, आनंद अरुणोदय की रचनाकार बताना है दोस्तों। 4 विकल्प हैं और 4 में आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 2 सेकंड में आपने उत्तर का चयन किया है, प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है आनंद अरुणोदय। और दोस्तों अगर कोई 2 शब्द प्रेम के आपसे बोल दे तो आनंद आ जाता है। कई के शब्द बोल दे प्रेम के, 2 शब्द प्रेम के बोल दे तो आनंद आ जाता है। तो आनंद अरुणोदय रचना किसकी होगी? प्रेमघन की कि भारतेंदु की? प्रेमघन की होगी ना। और दोस्तों आपको पता है एक इन्होंने आनंद कादंबनी पत्रिका भी निकाली थी, आनंद कादंबनी है ना, इसको भी आपको याद रखना है। आनंद कादंबनी पत्रिका किसने निकाली थी? प्रेमघन साहब ने, है ना। पूछा जाता है आनंद कादंबनी पत्रिका किसने निकाली थी? प्रेमघन ने। अगला है प्रेम संपत्ति लता की रचनाकार दोस्त कौन है। दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि प्रेम की संपत्ति किसके पास थी? हम बोलते हैं कि हमारे ए प्रॉपर्टी है, हमारी वो है, हमारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन जो प्रेम रूपी संपत्ति थी वो किसके पास थी? आपको पता होगा, आप पढ़ते हैं कि मोहन के पास, मोहन यानी कि श्री कृष्ण के पास थी दोस्तों प्रेम रूपी संपत्ति। तो याद रख लेना, मोहन से जगमोहन, ठाकुर जगमोहन है ना। आपने पढ़ा होगा कृष्ण जी के पास क्या थी? प्रेम रूपी संपत्ति, सब लोग उनसे प्रेम करते थे। तो प्रेम रूपी संपत्ति किसके पास थी? मोहन। तो मोहन से बनेगा जगमोहन, ठाकुर जगमोहन की रचना है प्रेम संपत्ति लता। ठीक है, अगला है मन की लहर की रचनाकार कौन है। दोस्तों 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि अगर कभी मन में लहर उठ जाए कि हमें पढ़ाई करना है, कभी मन में लहर उठ जाए तो कि हमें पढ़ाई करना है, तो उसका प्रताप बहुत होता है दोस्तों, उसका प्रताप बहुत होता है, और आप IAS IPS बन जाते हो, है ना। तो मन में पढ़ाई की लहर उठानी है ना, और उस लहर का इतना प्रताप होगा कि आप IAS बन जाओगे। तो काय का प्रताप है? मन की लहर का प्रताप है। बोले ये तो IAS कैसे बन गए? वो तो ये तो मन की लहर का प्रताप है जो हम IAS बन गए। तो मन की लहर का प्रताप, इसलिए प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत 12 मासा के रचनाकार कौन है। 4 विकल्प हैं दोस्तों। हम देखते हैं कि भारत में नहीं सब जगह कितने मास होते हैं, 12 मास होते हैं, है ना, 12 महीना होते हैं। और आपको पता है कि भारत में 12 मासा जो है राधा और कृष्ण की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। भारत में 12 मासा राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। तो भारत 12 मासा के रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? राधा कृष्णदास, है ना। बोले सर भारत में 12 मासा राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है, इसलिए राधा कृष्णदास इसके रचयिता हो जाएंगे। ठीक है, पावस पचासा की रचनाकार कौन है दोस्तों। 4 विकल्प हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक क्या आ रहा है? पाँव, है ना, और एक क्या आ रहा है? पचास। अब आपको पाँव 50 बार पढ़ना है, किसके? अम्बे। आप वो आरती करते ना, अम्बे तू है जगदम्बे काली, पढ़ते ना आरती, तो वो ही हैं। पाँव 50 बार पढ़ना है बोले अम्बे के, तो अम्बे से बनेगा अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास, पाँव 50, पावस 50, इस प्रकार से पावस 50, और अम्बे के पढ़ना है तो अंबिका दत्त व्यास की रचना होगी। कौन सी? पावस 50। कितने बार पढ़ना है? 50 बार। किसके? अम्बे के, तो अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अगला है भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है कि भारत दुर्दशा, है ना, अब यहाँ पर भारत आ रहा है और भारत दुर्दशा, तो ये भी रचना किसकी होगी? भारतेंदु की होगी, है ना। भारत दुर्दशा
भारतेंदु जी की रचना है, है ना। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, भारत दुर्दशा भारतेंदु की है ना। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते लोग, इस प्रकार से आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत धर्म की रचनाकार कौन है दोस्तों, भारत धर्म। और आपको पता है कि भारत में जब लोग धर्म करते हैं तो दोस्तों किसके पास जाते हैं, अम्बे, अम्बे माता है ना, काली जी के पास जाते हैं। बोले हम तो धर्म करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बोले अम्बे के पास जा रहे हैं, अम्बे। तो भारत में धर्म करते हैं लोग अम्बे के पास जा करके, तो अंबिका दत्त व्यास है ना, अंबिका दत्त व्यास। भारत धर्म के रचनाकार कौन होंगे, अंबिका दत्त व्यास, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देश दशा के रचनाकार कौन है दोस्तों, देश दशा, देश दशा बताना है दोस्तों। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण और राधा, राधा और कृष्ण सोचते होंगे कि अपने समय में भारत की दशा बहुत अच्छी थी है ना, बहुत प्रेम करते थे लोग, अब देखो देश की दशा कैसी हो गई, देश की दशा कैसी हो गई। कौन सोच रहे हैं, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण दास है ना, राधा कृष्ण दास, देश की दशा है ना। अब याद रख लेना, कभी नहीं बोलना, कौन सोच रहे हैं देश की दशा कैसी हो गई, राधा कृष्ण दास, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है लोकोक्ति शतक के रचनाकार कौन है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों लोकोक्ति मतलब लोक में प्रचलित जो उक्ति होती हैं, और लोक में प्रचलित जो उक्ति होती हैं इनका प्रताप बहुत होता है दोस्तों। आपने अंदाज किया होगा अपने आसपास पड़ोस में अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोकोक्ति फेंक देते हैं, एक आध कुछ कुछ होता है और डायलॉग में लोकोक्ति फेंक देते हैं, तो लोकोक्ति का प्रताप बहुत होता है। क्या होता है, प्रताप। तो लोकोक्ति शतक के रचनाकार कौन होंगे, बोले सर लोकोक्ति का प्रताप होता है, इसलिए प्रताप नारायण मिश्र, लोकोक्ति शतक, ठीक है, याद रखेंगे, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों दशरथ विलाप, दशरथ विलाप के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं। और दोस्तों आपको पता है कि जो दशरथ विलाप है, ये दशरथ विलाप भारत के लोगों ने देखा कि अमेरिका के लोगों ने देखा, जब रामायण चल रही थी लॉकडाउन में, तो क्या चल रही थी, रामायण, और रामायण में जब वनवास हुआ राम जी को, तो दशरथ विलाप कर रहे थे, और दशरथ विलाप कर रहे थे तो भारत के लोगों ने देखा, भारत के जन बच्चों ने देखा, तो दशरथ विलाप के रचनाकार कौन होंगे, भारत के ने देखा तो भारतेंदु है ना, अमेरिका वालों ने तो नहीं देखा है ना, भारत के लोगों ने देखा तो भारतेंदु, ठीक है। अगला है वर्षा विनोद और फूलों के गुच्छा के रचनाकार कौन है दोस्तों, आपको याद रख लेना है, भारतेंदु को भारत से जोड़ना है बस, भारतेंदु को भारत से। और आपको पता है कि भारत में ऐसी वर्षा होती है, ऐसी वर्षा होती है कि पेड़ों में एक फूल नहीं पूरा गुच्छा ही फूलता है ना, भारत में ऐसी वर्षा होती है कि पेड़ों में एक फूल नहीं पूरा फूल का गुच्छा फूलता है, कहाँ पर, भारत में। तो भारत में वर्षा होती है तो वर्षा विनोद है ना, और फूलों का गुच्छा फूलता है तो फूलों का गुच्छा, ये भी भारतेंदु की है, वर्षा विनोद भी किसकी है, भारतेंदु की है, ठीक है। और एक जगत विनोद पूछी जाती है दोस्तों, जगत विनोद ये रत्नाकर जी की है ना, और आपने एक मिश्र बंधु की जो रचना है वो आपको बतानी है वो कौन सी विनोद है ना। तो वर्षा विनोद और फूलों की गुच्छाई किसकी है, भारतेंदु जी, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। सौ अजान एक सुजान की रचनाकार कौन है दोस्तों, सौ अजान एक सुजान, बोले ऐसा क्या है सुजान में कि सौ अजान और एक सुजान, ऐसा क्या है सुजान में, तो बोले भैया सुजान के बाल बहुत अच्छे हैं। क्या हैं सुजान के, आपने देखा होगा घनानंद जी की प्रेमिका का नाम था सुजान है ना। अब बोले सौ अजान और एक सुजान, तो बहुत सारे लोग बोले यार सुजान में ऐसा क्या है, तो बोले सुजान के बाल बहुत अच्छे हैं, तो बाल से बनेगा बालकृष्ण भट्ट, सुजान के क्या हैं बाल बहुत अच्छे हैं, एक अजान और सौ सुजान है ना, एक इसकी है बालकृष्ण भट्ट जी का है ना, ये सार नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा है ना। हिंदी प्रदीप के ये रचनाकार थे, तो हमने आपको याद करवाई थी ट्रिक कि प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए है ना, तो प्रदीप हिंदी प्रदीप और बाल से बालकृष्ण भट्ट, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है, और चार विकल्प हैं, दो सेकंड है। नूतन मतलब होता है नया, नूतन मतलब होता है क्या, नया। अब नया ब्रह्मचारी, नया ब्रह्मचारी कौन बनेगा, कोई बालक ही बनेगा, कोई बाल बनेगा है ना। तो आपने एक सुना होगा बाल ब्रह्मचारी और एक सुना यहाँ पर नूतन ब्रह्मचारी,
बोले सर कोई नया बाल ब्रह्मचारी बनेगा तो वो बाल बनेगा तो बालकृष्ण भट्ट, है ना, कोई बालक बनेगा तो बालकृष्ण भट्ट, और इसको बाल ब्रह्मचारी कर दो, बाल ब्रह्मचारी, तो ये बालकृष्ण भट्ट की है नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, ए नंबर, सी नंबर आपका बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बाल विवाह नाटक की रचनाकार कौन है दोस्तों, बाल विवाह नाटक, अब यहाँ तो सीधा सीधा है कि यहाँ पर बाल आया है और यहाँ पर भी बाल आ गया, तो बाल विवाह के बालकृष्ण भट्ट हैं, है ना, तो सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों लालित्य लहरी की रचनाकार कौन है, लालित्य लहरी, और चार विकल्प हैं, और दोस्तों आपको पता है कि कुछ लोग बहुत लालायत रहते हैं, काय के प्रेम के, आपने वो गाना सुना होगा कौन सा कि हायो रब्बा दिल करता है देखो अजब तमाशे हैं, प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। तो कुछ दोस्तों क्या है, प्रेम के बहुत प्यासे रहते हैं, लालायत रहते हैं, लालायत, तो ये लालित्य से लालायत, है ना, तो लालित्य लहरी, अभी आपने साहित्य लहरी पढ़ी होगी, है ना, लेकिन अब लालित्य लहरी, तो ये लालित्य लहरी से लालायत, बोले लालायत रहते हैं, काय के प्रेम के, तो ये प्रेम की रचना है, प्रेम घन की रचना है, यानी बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लालायत रहते हैं काय के प्रेम के, तो लालित्य लहरी प्रेम घन की है, है ना, और ललित ललाम एक पूछी जाती है, ललित ललाम मतिराम की रचना है ना, तो ललित ललाम रीति काल में मतिराम की है, लालित्य लहरी ये भारतेंदु युग में प्रेम घन की है, क्योंकि लालित्य से लालायत रहते हैं प्रेम के। ठीक है, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी एक इसकी रचना है दोस्तों, आपको श्यामा से श्याम और श्याम कृष्ण को बोलते हैं, और कृष्ण का दूसरा नाम क्या है, मोहन, तो मोहन की होगी जगमोहन सिंह ठाकुर, है ना, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी, है ना, तो श्याम किसको बोलते हैं, मोहन को, तो जग ठाकुर जगमोहन सिंह की ये दोनों रचना है, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी। ठीक है, किसकी है, जगमोहन सिंह की। अगला क्वेश्चन है बंदर सभा के रचनाकार कौन है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों कि भारत में बंदर की भी सभा होती है, भारत में बंदर की भी सभा होती है, अमेरिका अमेरिका में नहीं होती, कहाँ होती है, भारत में, तो भारत में बंदर सभा होती है, तो बंदर सभा के रचनाकार कौन होंगे बंदर सभा भारत में होती है तो कौन होंगे, भारतेंदु की प्रेमघन, भारतेंदु होगी ना, भारत में होती है बंदर सभा, तो भारतेंदु जी की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देवयानी की रचनाकार कौन है दोस्तों, देवयानी, देव, देव यानी क्या होता है, देव यानी, बोले सर देव यानी होता है मोहन, यानी कि कृष्ण जी, देव यानी मोहन, देव यानी मोहन, अब बोलते ना कि देव यानी क्या होता है, देव का मतलब क्या होता है, ऐसे करते ना, तो देव यानी मोहन, देव यानी मोहन। ठीक है, तो देव यानी के रचनाकार कौन होंगे, जगमोहन सिंह ठाकुर, जगमोहन सिंह। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है अलौकिक लीला के रचनाकार कौन है दोस्तों, आपको पता है कि पहले क्या करते थे, जो भगवान थे वो क्या करते थे, प्रेम करते थे, तो बोले ये तो अलौकिक लीला है, भगवान प्रेम करते थे तो अलौकिक लीला है, तो क्या करते थे, प्रेम, तो प्रेम से प्रेमघन, अलौकिक लीला, है ना, बोले ये तो अलौकिक लीला है, प्रेम की अलौकिक लीला, प्रेम की अलौकिक लीला, याद रख लेना इस प्रकार से, प्रेम की अलौकिक लीला। सबसे पहली जो आपकी रचना है, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास की रचनाकार कौन है, 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे, आपको उत्तर कमेंट में लिखना है। और दोस्तों जब तक मैं आपको बता दूं कि वनवास किसको हुआ था, अयोध्या के राजा राम को हुआ था, किसको हुआ था, अयोध्या के राजा राम को वनवास हुआ था, है ना, तो अयोध्या से उपाध्याय आपका उत्तर होगा, और जब ये वनवास हुआ तो ये अपने प्रिय को लेकर प्रवास कर गए थे, वन को प्रवास कर गए थे, है ना, तो प्रिय को, तो प्रिय प्रवास, है ना, और अयोध्या के राजा किसको, राम को वनवास हुआ था, तो वैदेही वनवास, वनवास हुआ था अयोध्या के राजा राम को, तो अयोध्या से उपाध्याय हरिओत की रचना होगी, और ये प्रिय को ले गए थे तो प्रिय प्रवास भी इन्हीं की रचना हो गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों याद रख लेना है, ये दोनों ही रचना वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास किसकी हैं, उपाध्याय हरिओत जी की हैं, और प्रिय प्रवास ये हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है मिलन,
पथिक मानसी स्वप्न की रचनाकार कौन है? तो रचनाकार कौन है दोस्तों? आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो कौन होंगे, उत्तर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? त्रिपाठी, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, ये राम नरेश त्रिपाठी की चारों रचनाएं हैं। इनको याद कर लेना, इनका क्रम भी यही है दोस्तों। मिलन के पथ में मानसी का स्वप्न देखा, मिलन के पथ में मानसी, इनका क्रम भी सबसे पहले मिलन, फिर पथ, फिर मानसी और स्वप्न, इनका क्रमबद्ध भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रख लेना, मिलन के पथ में मानसी का स्वप्न देखा, ये राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं, है ना। कैसे याद करोगे? मिलन के पथ में मानसी का स्वप्न देखा, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाओं का एक ट्रिक हो जाएगी जो आपको याद रख लेना है, और ये रचनाएं त्रिपाठी जी की हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, कृषक क्रंदन के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको पता है कि जब इस प्रकार से पानी नहीं गिरता तो कृषक क्या करता है? क्रंदन करता है, और क्रंदन इसका ईश्वर के पास गया, गया क्या? क्रंदन गया, तो क्रंदन गया, तो गया से गया प्रसाद शुक्ल सनेही, क्रंदन गया, तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही, तो कृषक का क्रंदन गया, तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचनाकार जो है कृषक क्रंदन की रचनाकार हो जाएंगे इस प्रकार से। अब कभी भी आपकी रचना पूछी गई बोली कृषक क्रंदन, तो आपको याद आएगा क्रंदन गया, तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही। अगला, हिंडोला की रचनाकार कौन है? दोस्तों चार विकल्प है, चार में से आपको बताना है, और आपको पता है कि आपको याद कर लेना है जगन्नाथ का हिंडोला, जगन्नाथ का हिंडोला, यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जगन्नाथ का हिंडोला, तो हिंडोला रचना, और एक किसकी हो जाएगी? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये देखो चित्र में जगन्नाथ का हिंडोला, जगन्नाथ का हिंडोला, अब कभी भूलोगे आप? नहीं भूल पाओगे, जगन्नाथ का हिंडोला। बोले हिंडोला रचना किसकी है? बोले जगन्नाथ दास रत्नाकर, है ना, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, संपत्ति शास्त्र की रचनाकार कौन है? दोस्तों चार विकल्प हैं, चार में से चयन करना है, और आपको पता है अगर आप महावीर की भक्ति करोगे तो आपके पास संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। किसकी भक्ति करोगे? महावीर भगवान की भक्ति करोगे तो आपके पास संपत्ति की क्या नहीं रहेगी? कमी नहीं रहेगी। तो महावीर से बनेगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर से क्या बनेगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, बोले महावीर की भक्ति करेंगे तो संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। ठीक है, भारत भारती की रचनाकार कौन है? दोस्तों चार विकल्प हैं, भारत भारती, और आपको पता है कि हम भारत भारती की शरण में हैं, हम लोग क्या हैं? भारत भारती की, माँ भारती की शरण में हैं कि नहीं है? चित्र में देखो जरा, माँ भारती की शरण में हैं हम लोग, है ना, माँ भारती की शरण में, तो भारत भारती की शरण, तो मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती की शरण में है तो मैथिली शरण गुप्त, है ना, शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त के इसके रचनाकार हो जाएंगे, है ना। रस कलश के रचनाकार कौन है? दोस्तों रस कलश, ये देखो, रस का कलश औंधा दिया, औंध दिया, है ना, रस का कलश औंध दिया, तो रस कलश के रचनाकार कौन होंगे? औध दिया तो हरिऔध, है ना, रस का कलश हरि के ऊपर औंध दिया, हरि मतलब भगवान, भगवान के ऊपर औंध दिया, तो रस कलश हरि के ऊपर औंध दिया, चित्र में देखो, हरि के ऊपर औंध दिया, है ना, औंध दिया ना, तो हरिऔध, रस कलश रचनाकार हरिऔध की है। ठीक है, अगला है, काव्य मंजूषा के रचनाकार कौन है? दोस्तों चार विकल्प हैं, चार सेकंड में आप उत्तर बताएंगे, ट्रिक भी आपके सामने है कि महावीर का काव्य मंजूषा पढ़ती है, महावीर का काव्य कौन पढ़ती है? मंजूषा पढ़ती है, तो काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब महावीर का काव्य मंजूषा पढ़ती है, याद रखेंगे आप, महावीर का काव्य मंजूषा पढ़ती है, है ना, तो काव्य मंजूषा के रचनाकार जो होंगे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे। अगला है दोस्तों, रंग में भंग के रचनाकार कौन है? रंग में भंग, दोस्तों आप रंग बना रहे थे, रंग बना रहे थे और मैंने मेथी डाल दी,
मेथी डाल दी तो आप बोलोगे यार रंग में भंग कर दिया आपने, रंग में भंग कर दिया, क्या डाल दी, मेथी डाल दी तो रंग में भंग कर दिया, तो रंग भंग के रचनाकार कौन होंगे, मेथी डाल दी तो मैत्री शरणगुप्त, रंग में भंग कर दिया मेथी डाल के तो रंग में भंग ही रचना किसकी होगी, मैत्री शरणगुप्त की, अधिकांश लोगों को पता है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है शंकर सरोज और शंकर सर्वस्व के रचनाकार कौन है। अब दोस्तों यहाँ पर शंकर आ रहा है, यहाँ पर भी शंकर आ रहा है, तो उत्तर में भी शंकर आएगा, नाथूराम शर्मा शंकर, शंकर सरोज और शंकर सर्वस्व के रचनाकार कौन है, नाथूराम शर्मा शंकर हैं, यानी यह नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है राम रावण विरोध की रचनाकार कौन है। दोस्तों राम और रावण का क्या है, एक दूसरे से विरोध चलता था और राम और रावण के विरोध में कोई राय नहीं देना, है ना, मैंने कहा राम और रावण के विरोध में राय नहीं देना, कुछ लोग बोले सर राय देवी, अपन तो राय देवी, तो राय देवी, राम रावण के विरोध में अपन तो राय देवी, तो राय देवी प्रसाद पूर्ण, राम रावण के विरोध में राय देवी, तो राय देवी प्रसाद पूर्ण, ठीक है, ठीक है, राम रावण के विरोध में राय देवी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, सा नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रवासी के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं दोस्तों, आपको पता है प्रवासी मतलब क्या होता है, प्रवासी प्रवासी पक्षी नाम सुना होगा, प्रवासी पक्षी मौसम के अनुसार जहां भी उनके अनुकूल मौसम होता है वहां चले जाते, मतलब यहां वहां भागते रहते हैं, वैसे ही प्रवासी प्रवासी यहां वहां भागते हैं, मतलब यहां वहां अपने लोचन से देखते रहते हैं कहां मौका है कहां अच्छा है वहां भागते रहते हैं, तो कैसे देखते हैं, अपने लोचन से देखते हैं, लोचन से प्रवासी लोचन से देखते हैं कि हमें किस ओर जाना है कहां भागना है प्रवासी लोग, तो लोचन प्रसाद पांडे की रचना हो जाएगी प्रवासी। ठीक है, याद रख लेना। अगला है वीर बालक के रचनाकार कौन है, नाथुराम शर्मा शंकर, लोचन प्रसाद पांडे, राय देवी प्रसाद पूर्ण या फिर लाला भगवान दीन। और वीर बालक के जो रचनाकार हैं, आपको पता है दोस्तों कि जब भगवान का जन्म होता है तो वीर बालक के रूप में होता है, आपने देखा होगा इतनी सारी लीलाएं देखी होंगी, है ना, कृष्ण की ही बात कर लो, कृष्ण जी का जन्म हुआ, भगवान का जन्म हुआ तो वीर बालक के रूप में हुआ, तो भगवान का जन्म होता है तो कैसे होता है, वीर बालक के रूप में, तो वीर बालक के रचनाकार कौन होंगे, लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन, है ना, भगवान का जन्म वीर बालक के रूप में होता है तो वीर बालक के रचनाकार लाला भगवान दीन। ठीक है, अगला है दोस्तों रामचरित चिंतामणि के रचनाकार कौन है, और चार विकल्प हैं, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, राय देवी प्रसाद पूर्ण या फिर लाला भगवान दीन। तो आपको पता है कि रामचरित चिंतामणि यानी कि ये जो रचना होगी वो किसकी होगी, रामचरित उपाध्याय की, रामचरित चिंतामणि के रचनाकार रामचरित उपाध्याय, यानी आपका एक नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट है भारत गीत के रचनाकार कौन है, दोस्तों चार विकल्प हैं, हमने भारत भारती पढ़ा था, किसका, भारत भारती अपने मैत्री शरणगुप्त की रचना पढ़ी थी। ठीक है, और ये भारत गीत पूछा गया है, तो पाठक लोग क्या करते, भारत के गीत गाते हैं, पाठक भारत के गीत गाते हैं, कौन गाते हैं, पाठक, तो श्रीधर पाठक, तो पाठक भारत के गीत गाते हैं, तो भारत गीत के रचनाकार कौन होंगे, श्रीधर पाठक, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सा नंबर। ठीक है, अगला है आवाहन के रचनाकार कौन है, दोस्तों आहान जिसे बोलते हो आप, आहान के रचनाकार कौन है, तो वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना, और दोस्तों आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है तो हम कृष्ण का क्या करते हैं, आवाहन करते हैं, कृष्ण जी आओ मेरे मन मंदिर में विराजमान हो जाओ, है ना, इस प्रकार से क्या करते, आवाहन करते हैं, कृष्ण जी आओ और मेरे मन मंदिर में विराजमान हो जाओ, तो किसका आवाहन करते हैं हम, कृष्ण का, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना कौन सी है, आवाहन, है ना, यानी बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बा नंबर। नेक्स्ट है यशोधरा और साकेत के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं और चार में से चयन करना है, और रामचरित उपाध्याय, बालकृष्ण शर्मा नवीन, मैत्री शरणगुप्त, लाला भगवान दीन, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि यशोधरा और साकेत ने मैथिली, है ना, जब दसवीं पास हो जाते उसके बाद सब्जेक्ट लेना पड़ता है इस प्रकार से, तो यशोधरा और साकेत ने क्या ली, मैथिली, तो यशोधरा और साकेत के रचनाकार कौन होंगे, मैथिली शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त, अब याद रख लेना,
यशोधरा और साकेत ने मैथिली, यशोधरा और साकेत ने क्या ली, मैथिली। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना होगी। ये खंड काव्य है यशोधरा और ये साकेत महाकाव्य है, इसमें 12 सर्ग हैं, है ना, याद रखना। और 12वें सर्ग में उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन भी है। नेक्स्ट है स्वदेशी कुंडल की रचनाकार कौन है। दोस्तों अब अगर कोई कुंडल खरीदना है किसी को, मतलब सोने के कुंडल खरीदना है, तो अपन क्या करेंगे, स्वदेशी की राय दोगे कि चाइना के खरीदवा दोगे। स्वदेशी की राय देवी, स्वदेशी की राय देवी, बोले सर अपन तो स्वदेशी की राय देवी, है ना, स्वदेशी की राय देवी। तो स्वदेशी कुंडल राय देवी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, स्वदेशी की राय देवी, काई की राय देवी, स्वदेशी की। तो सा नंबर आपका बिल्कुल, स्वदेशी कुंडल के रचनाकार कौन हो जाएंगे, राय देवी प्रसाद पूर्ण। विकट भट्ट के रचनाकार कौन है दोस्तों, विकट भट्ट, चार विकल्प हैं और चार में आपको याद रखना है कि रामचरित उपाध्याय की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, मैत्री शरण गुप्त की है या फिर लाला भगवान दीन की है। तो याद रख लेना है आपको, आपका सही उत्तर हो जाएगा मैत्री शरण गुप्त की। मैथिली का विकट गिर गया, मैथिली का विकट गिर गया, मैथिली का देखो विकट गिर गया। तो विकट भट्ट की रचनाकार कौन होंगे, बोले सर मैथिली का विकट गिर गया, विकट गिर गया तो मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, विकट गिर गया और विकट भट्ट, मैथिली शरण गुप्त, है ना। अगला है उद्धव शतक और गंगा अवतरण की रचनाकार कौन है, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर लाला भगवान दीन। चार विकल्प हैं, चार में से आपको चयन करना है, वीडियो को लाइक करना है और आपको शेयर भी करना है, ठीक है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि उद्धव शतक और गंगा अवतरण के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर ने गंगा अवतरण में शतक लगाया, रत्नाकर ने गंगा अवतरण में शतक लगाया, गंगा अवतरण से गंगा अवतरण शतक लगाया, तो उद्धव शतक, ठीक है। रत्नाकर ने कब लगाया, गंगा अवतरण में शतक लगाया। रामायणी महाकाव्य के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं, 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का बताना है दोस्तों। और यहाँ पर चित्र में देखना दोस्तों, ये कामायनी रचना है और ये महाकाव्य है। और आपको पता है कि आप कामना करने जाते हो कहाँ पर, जयशंकर के प्रसाद, शंकर जी के पास जाते हो ना, भगवान मुझे परीक्षा पास करवा देना, तो क्या करने जाते हो, कामना करने जाते हो। तो कामायनी महाकाव्य किसका होगा, शंकर जी के पास जाते हो तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और ये कामायनी दोस्तों आपको, ये आपको रचना दिख रहा है, ये रचना है, ये बुक है और ये जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। और ये महाकाव्य है, कितने सर्गों का महाकाव्य है, 15 सर्गों का महाकाव्य है दोस्तों, और 1935 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो याद रख लेना, छायावाद का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। लोकायतन महाकाव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों, चार विकल्प हैं दोस्तों, महाकाव्य लोकायतन और कामायनी, ये दोनों ही छायावाद के महाकाव्य हैं। और आपको बताना है 2 सेकंड में। और इसकी जो ट्रैक है दोस्तों, लोक में सुमित्रा आए हैं, लोक में सुमित्रा आए हैं, तो लोक में तो लोकायतन और सुमित्रा आए हैं तो सुमित्रा नंदन पंत, ये सुमित्रा नंदन पंत का महाकाव्य माना जाता है दोस्तों लोकायतन, ठीक है। यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आपको ट्रिक याद रखनी है, लोक में सुमित्रा आए हैं, लोक से लोकायतन और सुमित्रा से सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। पल्लव के रचनाकार कौन है दोस्तों, चार विकल्प हैं। जब तक मैं आपको बता दूं कि जो पल्लव है, इसे छायावाद का घोषणा पत्र, छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, पंत जी की प्रसिद्धि का आधार भी कौन सा है, पल्लव ग्रंथ है, और ये किसकी है, पंत जी की है, सुमित्रा नंदन पंत। और इन्हें प्रकृति का चितेरा कवि भी कहा जाता है, है ना, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चितेरा कवि। और दोस्तों सुमित्रा से पल्लव पड़ा है, आप बोलते ना कि किससे पाला पड़ गया यार, वही है, सुमित्रा से पाला पड़ा है, सुमित्रा से पल्लव पड़ा है, ठीक है। तो सुमित्रा से पल्लव पड़ा, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना हो जाएगी पल्लव। तुलसीदास के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा। और आपको पता है दोस्तों, तुलसीदास एक श्रेष्ठ कवि हैं और तुलसीदास रचना भी है, तो तुलसीदास निराला कवि है, तुलसीदास निराला कवि है, तो तुलसीदास तो निराला कवि है ही दोस्तों। और तुलसीदास दास जो रचना है, ये भी निराली रचना है, यानी कि निराली से और निराला से आपका निराला सा नंबर सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना, तुलसीदास निराला कवि है, ठीक है। तो ये तुलसीदास रचना निराला की हो जाएगी, ठीक है।
अगला है दोस्तों, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। बहुत ही बढ़िया रचना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और राम की शक्ति की पूजा कौन करते हैं? निराले व्यक्ति करते हैं, है ना, या फिर राम की शक्ति पूजा निराली है। राम की शक्ति पूजा निराली है, राम की शक्ति पूजा निराले व्यक्ति करते हैं, तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? निराला, यानी कि जो सा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यामा के रचनाकार कौन है दोस्तों? यामा, जैसे कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, और आपको पता है कि आप बोलते ना या माँ बोलते, किसे? महादेवी को। महादेवी को माँ बोलते हैं, तो ये यामा भी रचना किसकी हो जाएगी? महादेवी वर्मा की हो जाएगी। ठीक है, याद रख लेना। छायावाद की श्रेष्ठ कवित्री हैं दोस्तों, इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है ना। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को, है ना। और चित्ररेखा के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं, 2 सेकंड है दोस्तों आपके, और आपको बताना है, और आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। चित्ररेखा ए राम कुमार वर्मा, यानी कि जो सा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है राम कुमार का चित्र रेखा ने देखा, चित्र रेखा, तो राम कुमार का चित्र रेखा ने देखा, ये आपकी ट्रिक है। तो चित्र रेखा, है ना, चित्र रेखा ने देखा, किसका? राम कुमार का। तो चित्र रेखा के रचनाकार कौन होंगे? राम कुमार वर्मा। अब याद रख लेना आप कैसे याद रखोगे राम कुमार का चित्र रेखा ने देखा? तो चित्र रेखा राम कुमार वर्मा की रचना हो जाएगी। ठीक है, अगला है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और दीपशिखा के रचनाकार कौन है? चार विकल्प आपके पास, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। इनमें से 2 सेकंड में आपको बताना है कि निहार, रश्मि, नीरजा, है ना, सांदगीत और दीपशिखा। और आपको पता है दोस्तों कि ये पूरी ही रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। महादेवी वर्मा, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है प्रभात में, सबसे पहले जब हमारा सुबह होता है, प्रभात होता है, तब निहार आता है। निहार यानी कि ओस आता है। आता है कि सुबह सुबह की नहीं, ओस आता है, तो निहार आता है, निहार। ठीक है, फिर क्या आती है? रश्मि, यानी कि सूरज की ज्योति आती हैं, तो रश्मि आती है। ठीक है, फिर रश्मि आती है, और फिर दोस्तों नीरजा खिलती है, यानी कि जो है कमल खिलता है, है ना, कमल खिलता है, तो नीरजा खिलता है। ठीक है, फिर सांदगीत, फिर सांदगीत में हम क्या करते हैं? सांदगीत की बेला आती है, शाम को सांदगीत की बेला आती है, और उसके बाद हम महादेवी को क्या जलाते हैं? दीपशिखा जलाई जाती है। महादेवी को दीपशिखा जलाई जाती है। तो अब याद रख लेना आप, थोड़ा सा अपना मुंह ऊपर करो और देखो कि सबसे पहले प्रभात आता है, है ना, प्रभात आता है, फिर दोस्तों रश्मि आती है, है ना, फिर रश्मि आती है, फिर नीरजा खिलता है, फिर सांदगीत गाते हैं, सांदगीत की बेला आती है, और फिर महादेवी के सामने हम दीपशिखा जलाते हैं। तो ये चारों ही रचनाएं जो हो जाएंगी, 5 रचनाएं किसकी होंगी? महादेवी वर्मा की। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और अगला देखो दोस्तों, नए पत्ते के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, कौन है? ये सारी की सारी रचना, ये सारी की सारी जो PDF स्टडी मटेरियल है दोस्तों, वो ज्वाइन मेंबर को ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में मिल पाएंगे। ठीक है, नए पत्ते के रचनाकार कौन है? और आपको पता है दोस्तों, ये नए पत्ते, है ना, ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। और आपने पेड़ में देखे होंगे जब नए पत्ते आते हैं तो बिल्कुल निराले पत्ते होते हैं। कैसे होते हैं? निराले होते हैं, नए पत्ते निराले होते हैं, तो नए पत्ते के रचनाकार कौन होंगे? निराला जी। ठीक है, अगला है निर्माल्य एक तारा के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और दोस्तों आपको पता है कि निर्मल एक तारा का वियोगी है, निर्मल एक तारा का वियोगी है, तो निर्मल से निर्माल्य, एक तारा से एक तारा का वियोगी है, सो मोहनलाल महतो वियोगी। ये वियोगी की रचनाएं हैं, कौन सी? निर्माल्य और एक तारा। कैसे याद किया? आपको ट्रिक दी कि निर्मल एक तारा का वियोगी है, निर्मल एक तारा का वियोगी है, तो निर्माल और एक तारा के रचनाकार कौन होंगे? मोहनलाल महतो वियोगी। ठीक है, पंची और रागिनी के रचनाकार कौन है दोस्तों? गोपाल सिंह नेपाली, सुमित्रा नंदन पंत, मोहनलाल महतो या फिर महादेवी वर्मा। पंची और रागिनी, और प्रश्न क्रमांक 11 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रागिनी का नेपाली पंछी, रागिनी का नेपाली पंछी। तो रागिनी से रागिनी
और नेपाली से हो जाएंगे आपके कौन, गोपाल से हैं नेपाली और पंछी से पंछी। तो पंछी और रागनी जो रचना है वो किसकी है, गोपाल से हैं नेपाली की। आपको ट्रिक याद रखना है रागनी का नेपाली पंछी, रागनी का नेपाली पंछी। तो रागनी और पंछी ये गोपाल से नेपाली की रचना हो जाएंगी, ठीक है। अगला है दोस्तों अमृत और बिस की रचनाकार कौन है, अमृत और बिस चार विकल्प हैं। और दोस्तों अगर आपने बिस को अमृत समझकर पी लिया तो आपका उदय नहीं हो पाएगा, फिर क्या नहीं हो पाएगा, उदय नहीं हो पाएगा। तो अमृत और बिस के रचनाकार कौन होंगे, बोले सर हमने बिस को अमृत समझकर पी लिया और फिर उदय नहीं हुआ कभी, तो उदय शंकर भट्ट है ना, उदय शंकर भट्ट। और ये एक रचना अमृत और बिस अमृतलाल नांगर की भी है, कन्फ्यूज नहीं होना। और ये अमृत और बिस जो रचना है ये किसकी है, उदय शंकर भट्ट की भी है, ठीक है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कलापी के रचनाकार कौन है, कलापी दोस्तों यहां पर देखो कला, एक कला लिखा है और आप बोलते हो सर मुझे कला सीखना है, मैंने बोला कितनी कला सीखना है, तो आपने कहा सर मुझे 80 कला सीखना है, कितनी सीखना है 80। तो कला से कलापी और कला सीखना है कितनी 80, तो आरसी प्रसाद से हैं, आरसी 80 से आरसी, आरसी प्रसाद से की रचना है कलापी, कई बार पूछी गई है। अब कभी नहीं भूलना कितनी कला सीखना है, 80 कला सीखना है 80, ठीक है। अगला है अंतरध्वनि के रचनाकार कौन है दोस्तों, अंतरध्वनि अंतर की ध्वनि मतलब अंदर की ध्वनि को जानो, अंतर की ध्वनि को जानना है, तो जानना है तो जनार्दन झा, जनार्दन है ना, अंतर ध्वनि को क्या करना है, जानना है, जनार्दन, जनार्दन झा द्वज की रचना हो जाएगी। बी नंबर अंतर ध्वनि के रचनाकार कौन है आपसे पूछा जाएगा, तो आप बोलोगे सर अंतर की ध्वनि को जानना है तो जनार्दन झा, ठीक है। अगला है मानसी राका और विसर्जन की रचनाकार कौन है दोस्तों, एक मानसी राम त्रिपाठी जी की भी है, ठीक है, और याद रख लेना है। और ये मानसी जो रचना है ये आपकी उदय शंकर भट्ट की भी है, ठीक है। ऐसे आप याद रखेंगे मानसी राका और विसर्जन, मानसी रुको उदय शंकर का विसर्जन मत करना, मानसी रुको उदय शंकर का विसर्जन मत करना। तो मानसी से मानसी, रुको से राका और विसर्जन से विसर्जन, मानसी राका और विसर्जन है ना, और अमृत और विष, ये चार रचनाएं इनकी हैं, कौन की, उदय शंकर भट्ट की। मानसी रुको उदय शंकर का विसर्जन मत करना, मानसी रुको उदय शंकर का विसर्जन मत करना, ये किसकी रचनाएं हो गई, उदय शंकर भट्ट, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं दोस्तों, जरा इस चित्र को देखो कुकुरमुत्ता ये किसकी है, ये देखो बिल्कुल निराला होता है दोस्तों, ये कुकुरमुत्ता देखो कैसा छत्ता सा बना है, निराला ही होता है, आप देखो जरा निराला, ये निराला होता है कुकुरमुत्ता, तो ये कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन होंगे, निराला है ना, बोले सर कुकुरमुत्ता चित्र में देखा ये निराला होता है, तो निराला की रचना हो जाएगी, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। अगला देखो खादी के फूल के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं, और दोस्तों ये संयुक्त रचना मानी जाती है दो कवियों की, और वो कवि कौन से हैं, बच्चन के पंती ने खादी के फूल पहने, अपन बोलते ना नाती पंती, तो बच्चन के पंती ने खादी के फूल पहने, याद रख लेना है ना, बच्चन के पंती ने खादी के फूल पहने, तो ये खादी के फूल रचना है और बच्चन के पंती ने पहनी, तो बच्चन और पंत, बच्चन और पंत की ये संयुक्त रचना मानी जाती है दोनों की, यानी कि विकल्प नंबर आपका सा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, खादी के फूल बच्चन के पंती ने पहले है ना, बच्चन के पंती ने खादी के फूल पहने, ये ट्रिक है आपकी, तो खादी के फूल जो रचना है ये बच्चन और पंत की हो जाएगी, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला है करुणालय और आंसू की रचनाकार कौन है दोस्तों, आपको ट्रिक कौन सी अच्छी लगी है वो आप बता देना, और आप ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं है ना, जुड़ना चाहते हैं, तो आपको चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना पड़ेगा, ज्वाइन मेंबर का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, और जो है सब्सक्राइबर मेंबर का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। तो ज्वाइन मेंबर को विशेष जो है यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रेषित किया जाता है दोस्तों, और सब्सक्राइब मेंबर को टेस्ट आदि बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, तो आप ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, और वहाँ से आप कुछ राशि पे करके जो है ज्वाइन मेंबर बन सकते हो। करुणालय और आंसू की रचनाकार कौन है दोस्तों, आपको पता है कि करुणालय
आंसू, करुणा के आंसू, हम पढ़ते ना करुणा के आंसू, शंकर जी के सामने करुण के आंसू, ऐसे लिख लो, शंकर जी के सामने करुण के आंसू बहाते हैं, करुणा के आंसू बहाते हैं, करुण से करुणा कर दो, करुणा के आंसू बहाते हैं किसके सामने, शंकर जी के सामने। तो शंकर जी यानी कि जयशंकर प्रसाद, वैसे तो करुणालय और आंसू सभी को पता होगा, लेकिन याद रख लें कि जो है शंकर जी के सामने करुणा के आंसू बहाते हैं, करुणा के आंसू तो करुणालय और आंसू, ठीक है। इस प्रकार से कामायनी इनकी हम रचना पढ़ चुके हैं, ठीक है, करुणालय भी है, आंसू भी है, झरना भी है, और वसी एक इनकी रचना भी है, ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखेंगे। और यहाँ पर शंकर जी के सामने करुणा के आंसू बहाते हैं, लहर, झरना और उर्वशी की रचनाकार कौन है दोस्तों, चार विकल्प हैं, चार में से आपको बताना है, और यहाँ पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लहर। यहाँ पर देखो दोस्तों ये शंकर जी बैठे हुए हैं, है ना, शंकर जी बैठे हैं और यहाँ से इनके जटों से लहर निकली, तो लहर निकली तो मानो ऐसा लग रहा था कि झरना निकला है, कोई झरना है ना, और जब लोगों ने देखा तो लोगों के और बसी, लोगों के और मतलब हृदय, और हृदय में बसी, तो ऐसी लहर निकली कि झरना लग रहा था, और जब झरना लोगों ने देखा तो लोगों के और बसी, तो कहाँ से, शंकर जी की जटाओं से, आप बोलते ना कि गंगा निकली है, तो लहर, झरना और उर्वशी के रचनाकार कौन होंगे, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, शंकर जी का नाम आ रहा है तो यहाँ भी शंकर, जयशंकर प्रसाद। कि कृष्णार्जुन युद्ध 1918 के रचनाकार कौन है, अब 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, 4 विकल्प आपके पास हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक रचना आई है कृष्णार्जुन युद्ध, अब दोस्तों एक बात कॉमन सेंस लगाना कि कृष्ण और अर्जुन का युद्ध क्यों हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, माखन के चक्कर में, काय के चक्कर में, यहाँ पर देखो कृष्ण और अर्जुन का, बोले सर कृष्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ था माखन के चक्कर में, तो कृष्ण अर्जुन युद्ध के रचनाकार कौन होंगे, माखन के चक्कर में हुआ तो माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, माखन के चक्कर में माखनलाल चतुर्वेदी, इस प्रकार से याद करेंगे, बोले माखन के चक्कर में कृष्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ, ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो गई। नेक्स्ट है जय हिंद के रचनाकार कौन है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों जय हिंद रचना भी है 1948 की है, अब आपको बताना इसके रचनाकार कौन है, तो ट्रिक है दोस्तों सियाराम की शरण में जय हिंद लिखा, किसकी शरण में, यहां पर चित्र में देखो सियाराम की शरण में जय हिंद लिखा, ठीक है, तो किसकी शरण में, सियाराम शरण गुप्त, ठीक है, ये हो जाएंगे दोस्तों आपको, जय हिंद रचना है इनकी 1948 की रचना है, और आपको पता होगा कि जो सियाराम शरण गुप्त हैं ये मैत्री शरण गुप्त के छोटे भाई थे, अनुज थे, ठीक है, और इनकी रचना है जय हिंद 1948 की, हमने कैसे याद किया कि सियाराम की शरण में जय हिंद लिखा, तो जय हिंद रचना सियाराम शरण की, ठीक है। अगला है कुमकुम 1936 के रचनाकार कौन है, 4 विकल्प हैं दोस्तों, 4 में से चयन करना है, और एक चीज बताना कि कुमकुम एक बिंदी आती है, आपको पता होगा है ना, कुमकुम एक सीरियल भी आता है, कुमकुम एक बिंदी भी आती है, 4 विकल्प में से आप सही बताना, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना, बालकृष्ण शर्मा नवीन कुमकुम, और देखना दोस्तों आप थोड़ा सा इमेज करना कि ये बाल हैं, यहाँ पर देखो ये बाल हैं, बालों के नीचे आप क्या लगाते हो, कुमकुम लगाते हो, ठीक है, और ये आपकी पलक हैं, दोनों पलकों के बीच में आप कुमकुम लगाते हो, तो बालों के नीचे यानी कि बालकृष्ण भट्ट नीचे कुमकुम लगाते हो तो कुमकुम, और दोनों पलकों के बीच में तो आपलक, पलक के बीच में तो आपलक भी इनकी रचना हो जाएगी, ठीक है, और कौन लगाती है, उर्मिला, कैसे ट्रैक है इसकी, पलक झपकते ही उर्मिला ने बालों के नीचे रश्मि रेखा से कुमकुम लगाई, ठीक है, ये दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन की कुछ रचनाएं हैं, आपको ट्रैक है कि बाल झपकते ही जो है उर्मिला ने बालों के नीचे रश्मि रेखा से कुमकुम लगाई, ठीक है, पलक झपकते ही, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, और इनकी रचनाएं देखो क्रमबद्ध कुमकुम 1936 की, आपलक 1951, रश्मि रेखा 1951, क्वासी 1952, हम बिस्पाई जन्म के 1955 और उर्मिला 1957, ठीक है, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, अब आपको याद रख लेना है पलक झपकते ही उर्मिला के
उर्मिला ने बालों के नीचे रश्मि रेखा से कुमकुम लगाई। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है और इनकी रचनाएं याद हो जाती हैं, साथ ही क्रमबद्ध भी हैं, सन भी आपको दिए हैं। ठीक है, ये उर्मिला हैं और पलक झपकते ही, तो उर्मिला से उर्मिला, पलक से अपलक, बालों के नीचे कुमकुम, तो ये कुमकुम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है इनकी रचनाएं, और इसके पहले के बहुत सारे जो वीडियो हैं वो आपको जरूर देखना है दोस्तों। ठीक है, बिखरे मोती और त्रिधारा के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरणगुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। और आपको पता है दोस्तों, ट्रिक भी मैंने नीचे दी है कि सुभद्रा के बिखरे मोती की त्रिधारा निकली, सुभद्रा के जो बिखरे मोती थे उनकी कितनी धारा निकली? त्रिधारा निकली। किसकी? सुभद्रा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की बिखरे मोती और त्रिधारा, ये रचनाएं दोनों ही इनकी हो जाएंगी, यानी आपका उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं, पहला है सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरणगुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। और आपको पता है दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर को अनल का कवि कहा जाता है, ओज का कवि कहा जाता है, और परशुराम की प्रतीक्षा इनकी दोस्तों बहुत ही बढ़िया रचना है, कई बार पूछी गई है। नीचे ट्रिक दी है कि परशुराम की प्रतीक्षा में उर्वशी और रश्मि ने कुरुक्षेत्र में हुंकार भरी, है ना? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि परशुराम की प्रतीक्षा में जो है उर्वशी और रश्मि ने कुरुक्षेत्र में जो है हुंकार भरी। तो इनकी परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रश्मि, कुरुक्षेत्र और हुंकार, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, और एक इनकी रचना और है, कौन सी? रेणुका। रेणुका भी आपको याद रखनी नहीं है। ठीक है, इन्हीं की है, दिनकर जी की, और उर्वशी के लिए दोस्तों इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे, क्या याद रखना? परशुराम की प्रतीक्षा में उर्वशी और रश्मि ने कुरुक्षेत्र में हुंकार भरी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार बताना है दोस्तों, मैत्री शरणगुप्त, श्याम नारायण पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी घाटी के जो रचनाकार हैं वो हैं श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे, अब एक चीज याद रख लेना दोस्तों, एक रचना है श्याम सगाई। श्याम सगाई रचना किसकी है? नंददास की रचना है, और श्याम की सगाई में दोस्तों हल्दी जरूर लगेगी। क्या लगेगी? हल्दी लगेगी। तो हल्दी लगेगी तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन होंगे? श्याम। श्याम की सगाई में हल्दी लगेगी। ठीक है, श्याम की सगाई में क्या लगेगी? हल्दी लगेगी। तो हल्दी घाटी जो रचना है वो किसकी होगी? श्याम नारायण पांडे। श्याम आएगा, ठीक है, श्याम नारायण पांडे, और श्याम सगाई ये नंददास की रचना है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, है ना? अब मैं पूछूंगा हल्दी किसको लगेगी, बोले सर श्याम की सगाई में। तो श्याम सगाई नंददास और हल्दी घाटी ये श्याम नारायण पांडे। ठीक है, अगला है जीवन संगीत के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं दोस्तों, आपको पता है कि जीवन संगीत कब बन जाता है? अगर दोस्तों आप जगन्नाथपुरी चले जाओ तो संगीत जीवन आपका जो है वो संगीत बन जाता है। कहाँ जाना है? जगन्नाथपुरी आपको जाना है तो आपका जीवन संगीत बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पर प्रसाद बहुत मिलता है। क्या मिलता है? प्रसाद। तो जीवन संगीत कब बनता है? जब आप जगन्नाथपुरी जाओगे और यहाँ पर प्रसाद मिलता है, तो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, है ना? प्रसाद मिलिंद, जगन्नाथपुरी में प्रसाद मिलिंद, तो जीवन संगीत बन जाता है, है ना? इस प्रकार से अब मैं पूछूंगा जीवन संगीत कब बन जाता है, तो आप बताओगे कि सर जगन्नाथपुरी पहुंच जाएं और वहां पर प्रसाद बहुत मिलता है तो जीवन संगीत बन जाता है। ठीक है, तो जीवन संगीत जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। ठीक है, अगला है ज्वाला के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं दोस्तों, मैथिली शरणगोप, श्याम नारायण पांडे, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद या फिर केदारनाथ मिश्र प्रभात। आपको पता होगा कि दोस्तों केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो सभी लोगों ने वहाँ पर जितने लोगों की मृत्यु हुई थी, जितने लोग बह गए थे, कुछ लोग बेघर हो गए थे, है ना, उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए क्या जलाई थी? ज्वाला जलाई थी, ज्वाला, है ना? ये देखो यहाँ पर ज्वाला जलाई थी, कहाँ के लिए? केदारनाथ के लिए। तो ज्वाला के रचनाकार कौन होंगे? केदार
नाथ मिश्र प्रभात, अब यहां अग्रवाल नहीं जोड़ना, सह नहीं जोड़ना, ये केदारनाथ मिश्र प्रभात हैं जिनकी रचना है ज्वाला, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है साहित्य देवता के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं और आपको पता है दोस्तों कि साहित्य देवता को आपको माखन देना पड़ेगा तभी ये सारी रचनाएं याद होंगी, है ना, बोले साहित्य देवता माखन खा लो लेकिन ये रचनाएं याद हो जाएं, है ना, आप सभी लोग माखन खवा देना साहित्य देवता को, तो माखन खवा देना तो माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, याद रख लेना, अब साहित्य देवता को प्रसन्न करना है तो माखन खवाना पड़ेगा, माखन, है ना, तो साहित्य देवता के रचनाकार माखन खवाना पड़ेगा तो माखनलाल चतुर्वेदी, 1942 की रचना है। अगला है मौर्य विजय के रचनाकार कौन है दोस्तों, चार विकल्प हैं और आपने रामायण बहुत देखी है, मैथिली शरण गुप्त हैं, श्याम नारायण पांडे हैं, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद हैं या फिर सियाराम शरण गुप्त हैं, और आपको पता होगा दोस्तों कि जब श्री राम विजय प्राप्त करके आए तो इन्हें मौर मुकुट लगाया गया, क्या लगाया गया, मौर मुकुट लगा गया, किसे, सियाराम को, श्री राम को, ठीक है, तो सियाराम शरण गुप्त की रचना होगी कौन सी, मौर विजय, बोले मौर विजय प्राप्त करे आए तो मौर मुकुट लगाए, देखो चित्र में मौर मुकुट लगाया गया, ये क्या करके आए थे, ये दोस्तों विजय प्राप्त करके आए थे, तो सियाराम शरण गुप्त की रचना होगी कौन सी, मौर विजय, इसको अब याद रखेंगे। अगला है कैदी और कोकिला के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, श्याम नारायण पांडे या फिर जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद या माखनलाल चतुर्वेदी, तो आपको पता है दोस्तों कैदी और कोकिला को हमें क्या खिलाना है, माखन खिलाना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई है दोस्तों ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की, कैदी और कोकिला, है ना, और कैदी और कोकिला को हमें माखन खवा देना है तो माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है कैदी और कोकिला, ठीक है। अगला है सभा का खेल के रचनाकार कौन है दोस्तों, सभा के खेल, और आपको पता है दोस्तों कि विभिन्न प्रकार की सभा होती है लेकिन कई कई सभा में लोगों के भद्रा भी उतर जाते हैं, अपन बोलते हैं ना सभा में आज उसके भद्रा उतर गए, तो सभा का खेल और सभा में भद्रा उतर जाते हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान, सभा का खेल के रचनाकार कौन होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना, बोले सर सभा में तो भद्रा उतर जाते हैं तो सुभद्रा, भद्रा से सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नूरजहां के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरु भक्त सिंह या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, नूरजहां, और आपको पता है दोस्तों कि नूरजहां आदि के चक्कर में कौन नहीं पड़ते, वो नहीं पड़ते कौन, गुरु भक्त, गुरु भक्त नूरजहां के पीछे नहीं पड़ते, चक्कर में नहीं पड़ते कौन, गुरु भक्त लोग, इन्हें सिर्फ भक्ति से काम होता है, तो गुरु भक्त से हैं, ठीक है, नूरजहां के रचनाकार कौन होंगे, बोले सर नूरजहां के चक्कर में भक्त लोग नहीं पड़ते, गुरु भक्त नहीं पड़ते, तो गुरु भक्त से हैं, ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे और ये सिर्फ याद करने का माध्यम है, ठीक है। अगला है कुड़ाल के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, और बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है दोस्तों, कुणाल के रचनाकार कौन है, सोहनलाल द्विवेदी, यानी कि आपका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी। अगला है आत्म बलिदान के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, श्याम नारायण पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, दोस्तों आपको पता है अगर मैं बोलूं कि आप आत्म बलिदान कर दो, बोलो सर मैं आत्म बलिदान तो कर दूंगा लेकिन मेरे बालों के बलिदान की मत बोलना, मेरे बालों की बलिदान की मत बोलना, मैं सब कुछ बलिदान कर दूंगा, बालों के बलिदान की मत बोलना, तो आत्म बलिदान की रचनाकार कौन होंगे, बालकृष्ण भट्ट, बाल की मत नहीं, बाल की मत बोलना, है ना, ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट हमने याद किया था दोस्तों, एक हिंदी प्रदीप की रचनाकार थे बालकृष्ण भट्ट, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन है लेकिन हिंदी प्रदीप के हमने देखे थे कि प्रदीप के बाल भटा से भरत गए, है ना, तो प्रदीप यानी हिंदी प्रदीप और हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट, उसी प्रकार से आत्म बलिदान तो हम कर देंगे लेकिन बालों का बलिदान की मत बोलना, तो आत्म बलिदान के रचनाकार कौन होंगे, बाल से होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। अगला है तक्षशिला के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं और दोस्तों आपको पता होगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय बना था, है ना, और जो तक्षशिला है ये बौद्ध शिक्षा बौद्ध धर्म से संबंधित था, यहाँ का जो क्षेत्र था, ठीक है, और तक्षशिला का क्या हुआ था भारत में, उदय हुआ था,
तक्षशिला का भारत में उदय हुआ था, तो तक्षशिला के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे? तक्षशिला का उदय यानी कि उदय शंकर भट्ट। ठीक है, उदय शंकर भट्ट, अमृत और बेस, इनकी एक रचना हमने पढ़ी थी, है ना, अमृत और बेस, अमृतलाल लांगर की भी है, अमृत और बेस उदय शंकर भट्ट की भी है ना। तक्षशिला का उदय, ये उदय शंकर भट्ट की रचना है तक्षशिला। अब कैसे याद रखोगे? बोले सर तक्षशिला का उदय, तक्षशिला से तक्षशिला रचना, उदय से उदय शंकर भट्ट इसके रचनाकार। अमीर इरादे गरीब इरादे के रचनाकार कौन है दोस्तों, आपको बताना है, और बहुत ही बढ़िया रचना है। तो आपको पता है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके इरादे माखन खाने के रहते हैं। बोले आज माखन मिल जाता, अमीर हो या गरीब हो, सबके इरादे काय के रहते हैं, माखन खाने के रहते हैं। तो गरीब में अमीर इरादे और गरीब इरादे के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है झांसी की रानी कविता के रचनाकार कौन है? चार विकल्प है, मैथिली शरण गोप, श्याम नारायण पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। और दोस्तों आपको पता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सबके भद्रा उतार दिए थे। क्या उतार दिए थे? भद्रा। और हम पढ़ते आए हैं कि खूब लड़ी मर्दानी बहतो झांसी वाली रानी थी, है ना, पढ़ा है आप लोगों ने। तो झांसी की रानी कविता, झांसी की रानी ने भद्रा उतार दिए थे तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अगला हिमकिरीटनी हिमतरंगणी की रचनाकार कौन है दोस्तों, आपको पता है हिमतरंगणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1955 में, है ना, सबसे पहले। और ये रचना किसकी है? और आपको पता है दोस्तों हिम जैसे जम जाता है क्या? माखन। माखन भी हिम जैसे जम जाता है, तो याद रख लेना क्या जम जाता है? माखन। काय के जैसे? हिम जैसे। तो हिम तरंगणी और हिम करटनी माखन जैसे जम जाते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और 1942 की रचना, 1949 की और 1955 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हेमतरंगणी के लिए, सबसे पहले हिंदी में। ठीक है, अगला है पाथेय के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं दोस्तों। और आपको पता है कि दोस्तों सिया और राम को, सिया राम को जब क्या हुआ, वनवास हुआ, तो इनके बहुत सारे पाथेय बने, है ना, आपने नाम सुना होगा, बोले केवट के भाग्य खुल गए, केवट भी पाथेय बना। ऐसे अनेकों ऋषि मुनि थे जो सियाराम के पाथेय बने। कौन के? सियाराम के पाथेय बने। तो पाथेय के रचनाकार कौन होंगे? सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, तो सियाराम के पाथेय इस प्रकार से आपको याद रख लेना, बोले सियाराम के बहुत सारे पाथेय बने। नींद के बादल 1947 के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं आपके सामने, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंदन पंत, दिनकर या फिर नागार्जुन। तो आपको पता होगा दोस्तों कि 2013 में केदारनाथ में क्या आई थी? बाढ़ आई थी, केदारनाथ में बाढ़ आई थी। ऐसा लग रहा था कि बादल जो है नींद में सो गए हैं, है ना, तो नींद के बादल कहाँ आए थे? केदारनाथ में। नींद के बादल आए थे केदारनाथ में, तो नींद के बादल के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे? केदारनाथ अग्रवाल। और यहाँ पर देखो, केदारनाथ में नींद के बादल आए और यहाँ पर तबाही मची थी, है ना, तो केदारनाथ में नींद के बादल, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा नींद के बादल के रचनाकार कौन है, तो आप बता दोगे सर नींद के बादल तो केदारनाथ में आए थे, मतलब केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, हिल्लोल के रचनाकार कौन है दोस्तों? चार विकल्प हैं। और आपको पता है कि केदारनाथ जाना जाता है दोस्तों, शिव का एक धाम है, शिव जी का एक धाम है केदारनाथ। और जब केदारनाथ में बाढ़ आई, केदारनाथ में दोस्तों जब पानी की बाढ़ आई तो हिलोर लग रही थी, देखो चित्र में हिलोर लग रही थी, किसे किसे लग रही थी? शिव जी को हिलोर लग रही थी, शिव जी को। तो हिलोर से हिल्लोल, और हिल्लोल के रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? शिव मंगल सिंह सुमन। यानी कि आपका जो विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्या लग रही थी शिव को? हिलोर लग रही थी, हिल्लोल। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि जो सा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन, दोनों या फिर नागार्जुन। आपको कमेंट में बताना है। और आपको पता है दोस्तों कि शिव जी की जब बारात निकली तो बाराती जो थे भभूत लगाए थे, मिट्टी की भभूत लगाए थे, है ना, भूत भूत भी बारात में आए थे। तो ऐसा लग रहा था
कि जैसे मिट्टी की बारात आ रही हो, जैसे मिट्टी की बारात आ रही हो, किसकी? शिव जी की। तो मिट्टी की बारात ये रचना किसकी होगी? शिव मंगल से समन और त्रिलोचन भी कहा जाता है दोस्तों, किसको? शिव को। तो त्रिलोचन की भी ये रचना है, शिव मंगल से सुमन की रचना है ना, किस कौन सी? मिट्टी की बारात। तो अब आपको याद रख लेना है मिट्टी की बारात किसकी आ रही थी, बोले सर त्रिलोचन की या फिर शिव जी की, तो शिव मंगल से सुमन और त्रिलोचन, ठीक है, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राय के दीपक 1947 की रचनाकार कौन है? त्रिलोचन, शिव मंगल से सुमन, रांगे राघव या फिर नागार्जुन। तो आपको पता है राय के दीपक कौन बने? राय के दीपक, यहां से देखो जरा चित्र में, श्री राम जी आगे आगे चलकर ये राय के दीपक बने हैं। कौन? राघव, है ना, राघव बोलते हैं ना, रघुपति राघव सीताराम, तो राघव क्या बने? राय के दीपक बने। इस प्रकार से राय के दीपक बने राघव, तो राय के दीपक के रचनाकार कौन होंगे? रांगे राघव, ठीक है, रांगे राघव, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको लास्ट में वीडियो के बताना है कि कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी, है ना, कौन सी रचना आपको सबसे ज़्यादा याद हुई है, और इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो ज़रूर देखें। तालाब की मछलियाँ के रचनाकार कौन है दोस्तों? चार विकल्प हैं, और आपको पता है कि तालाब की मछलियाँ कौन खा गया? तालाब की मछलियाँ नाग खा गया, ये नाग है, और तालाब की मछलियाँ नाग खा गया, तो तालाब की मछलियाँ कौन खा गया? नाग, तो नागार्जुन, ठीक है, नाग से नागार्जुन, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। तालाब की मछलियाँ ये रचना किसकी होगी? बोले सर तालाब की मछलियाँ नाग खा गया, तो तालाब की मछलियाँ की रचनाकार नागार्जुन, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और अगला है दोस्तों कदली बन, कदली बन, हंसमाला, मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन है? ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं, त्रिलोचन हैं, शिवमंगल से सुमन, नागार्जुन या फिर नरेंद्र शर्मा हैं। तो आपको बताना है, और आपकी सुंदर सी ट्रिक है कि नरेंद्र ने कदली बन में मिट्टी और फूलों की माला बनाई, कहाँ पर, किसने बनाई? नरेंद्र ने, तो नरेंद्र शर्मा कदली बन में, तो कदली बन मिट्टी और फूलों की, तो मिट्टी और फूल और माला से हंसमाला, ठीक है, तो हंसमाला ये रचना हो जाएंगी किसकी? नरेंद्र शर्मा की। अब याद रख लेना है कि नरेंद्र ने कदली बन में मिट्टी और फूलों की माला बनाई, ये आप याद रखेंगे तो नरेंद्र शर्मा की जितनी भी रचनाएं हैं वो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अगला है दोस्तों युगवाणी ग्राम्या के रचनाकार कौन हैं? चार विकल्प हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, शिवमंगल से सुमन हैं, नागार्जुन या फिर नरेंद्र शर्मा हैं। तो युग की वाणी और ग्राम्या, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? आपको पता है दोस्तों सुमित्रानंदन पंत ये प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और युगांत, युगवाणी, ये जो रचनाएं हैं ग्राम्या, ये किसकी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी दोस्तों आपके सुमित्रानंदन पंत जी की, पंत जी यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राम्या और युगवाणी, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों पिघलते पत्थर 1946 के रचनाकार कौन है? आपको पता है दोस्तों कि पत्थर कैसा भी हो, या पत्थर दिल बोलते ना अपन कि वो तो पत्थर दिल है, कोई भी पत्थर दिल हो रघुवीर के पास आ जाए तो पिघलते पत्थर, पत्थर भी पिघल जाते हैं, पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं, तो पिघलते पत्थर कहाँ पर? पिघलते पत्थर कहाँ पर? रांगे राघव के पास, राघव के दरबार में पिघलते पत्थर। तो रांगे राघव की रचना है, 1946 की रचना है, और पिघलते पत्थर कहाँ पर? राघव के दरबार में, है ना, तो रांगे राघव यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कभी भी आपसे रचना पूछी जाएगी, बोले सर पिघलते पत्थर, तो पिघलते पत्थर, पत्थर भी पिघल जाते हैं कहाँ पर? रांगे या फिर राघव के दरबार में, ठीक है। अगला है युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली की रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी, शिवमंगल से सुमन, रांगे राघव या फिर नागार्जुन। और आपको पता है दोस्तों कि युगधारा और सतरंगे पंखे वाली, तो आपको कैसे याद रख लेना है? एक ट्रिक है कि नागार्जुन की युगधारा सतरंगे पंखे वाली है, नागार्जुन की युगधारा सतरंगे पंखे वाली है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि तालाब की मछलियाँ नाग खा गया,
अब नागार्जुन की युगधारा सतरंगे पंखों वाली है, तो युगधारा और सतरंगे पंखों वाली है ये भी आपकी नागार्जुन की ही होगी, ठीक है। तो नागार्जुन यानी कि जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रलय और सृजन की रचनाकार कौन है दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत हैं, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव या फिर नागार्जुन। आपको पता है कि शिव जी के पास प्रलय भी पलते हैं और सृजन भी, है ना, प्रलय और सृजन सभी पलते हैं कहाँ पर, शिव जी के पास। तो शिव जी के पास पलते हैं तो शिवमंगल सिंह सुमन। बोले प्रलय और सृजन किसकी है, तो आप बता दोगे कि सर ने बताया था कि प्रलय और सृजन तो शिवमंगल जी के पास पलते हैं, है ना, शिव के पास पलते हैं, तो शिवमंगल सिंह सुमन, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी हमने कहा किया था मिट्टी की बारात त्रिलोचन और शिवमंगल सिंह सुमन की, है ना, अलग अलग रचना इनकी एक ही नाम से है, ठीक है। और ये प्रलय और सृजन 1944 की रचना ये शिवमंगल सिंह सुमन की है, ठीक है। अगला है ऋतु संहार रंग रूप के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा या फिर नागार्जुन। ऋतु संहार और रंग रूप के रचनाकार कौन हैं, आपको याद रख लेना है। एक छोटा सा कोड है दोस्तों कि ऋतु का रंग रूप रामविलास जैसा है, ऋतु का रंग रूप कैसा है, रामविलास जैसा है। तो ऋतु से आपका बनेगा दोस्तों ऋतु संहार और रंग रूप से रंग रूप और किसके जैसा है, रामविलास। तो रचनाकार कौन होंगे, रामविलास शर्मा, यानी कि जो सी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा ऋतु संहार किसकी रचना है, तो आप बोलोगे कि ऋतु का रंग रूप रामविलास शर्मा जैसा है, है ना, या रामविलास जैसा है। तो ऋतु का रंग रूप तो ऋतु संहार, रंग रूप से रंग रूप, रामविलास से रामविलास शर्मा, ठीक है। अगला है जिजीविषा संतरण और संकल्प के रचनाकार कौन है दोस्तों, ये प्रगतिवादी रचना है। जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा, संतरण, संकल्प, इनकी रचनाकार कौन है, पंत जी, शिवमंगल सिंह सुमन, महेंद्र भटनागर या फिर नागार्जुन। और आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक याद रखना है कि महेंद्र ने संत बनकर जिजीविषा का संकल्प लिया, संत बनकर जिजीविषा यानी कि जीने का संकल्प लिया। तो किसने लिया, महेंद्र भटनागर ने, इसलिए जिजीविषा, संतरण और संकल्प ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं, महेंद्र भटनागर की हैं। और महेंद्र ने संत बनकर जिजीविषा का संकल्प लिया, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों ये सारे नोट्स आपको ज्वाइन मेंबर यानी कि ज्वाइन ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है, तो आप ज्वाइन मेंबर अवश्य बने चैनल के, ठीक है। अगला है गुलाब और बुलबुल के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं, महेंद्र भटनागर या फिर त्रिलोचन। तो गुलाब और बुलबुल के रचनाकार बताना है, गुलाब और बुलबुल ने त्रिलोचन की पूजा की, किसकी पूजा की, गुलाब और बुलबुल ने त्रिलोचन की पूजा की, यानी कि त्रिलोचन की रचना हो जाएंगी गुलाब और बुलबुल, ठीक है। ये एक ही रचना है गुलाब और बुलबुल, और दोस्तों ये त्रिलोचन की रचना है, ठीक है, त्रिलोचन। गुलाब और बुलबुल ने किसकी पूजा की, त्रिलोचन की, ठीक है। अगला है विश्वास बढ़ता गया पर आँखें नहीं भरी, विश्वास बढ़ता गया ये अलग रचना है, पर आँखें नहीं भरी ये अलग है, लेकिन आप पढ़ते हो कि विश्वास बढ़ता गया पर आँखें नहीं भरी, है ना। शिव को देखते देखते दर्शन करते करते विश्वास बढ़ता गया, पर दर्शन से दोस्तों आंखें नहीं भरी, आंखें नहीं भरी, ऐसा लगता कि शिव के दर्शन करते ही रहें। तो शिव को देखते देखते विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी, ये आपकी ट्रिक है। शिव पर विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी, ये दोनों ही रचना शिवमंगल सिंह सुमन की हैं, शिवमंगल सिंह सुमन की, है ना, विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी, ठीक है। तो ये चीज़ आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन। अगला है दोस्तों तुमने कहा था खून और शोले, ये किसकी रचनाएं हैं, अभी तक आपने फ्लैशबैक शैली में कौन सी रचना पढ़ी होगी दोस्तों, फ्लैशबैक शैली में पढ़ी होगी उसने कहा था, है ना, उसने कहा था पढ़ी थी, किसकी है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। लेकिन आज आपको तुमने कहा था भी पढ़ना है, तुमने कहा था खून और शोले की रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, शिवमंगल सिंह सुमन, महेंद्र भटनागर या फिर नागार्जुन है, तब आपका बिल्कुल सही यहां पर आंसर हो जाएगा, तुमने कहा था कि खून और शोले, खून और शोले
ये नागार्जुन की रचना है दोस्तों, खून और शोले, है ना। किसने कहा था? नांग ने कहा था, नागार्जुन ने कहा था कि खून और शोले। अभी कम सोया है और शोले, तो तुमने कहा था खून और शोले ये रचनाएं हैं किसकी? नागार्जुन साहब की हैं, ठीक है। प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन की है ना। इन सभी रचनाओं को याद रख लेना है, तुमने कहा था खून और शोले नागार्जुन जी की, ठीक है। बेला और नयपत्ति के रचनाकार कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, निराला, महेंद्र भटनागर या फिर नागार्जुन। तो आपको पता है दोस्तों कि बेला हो या नयपत्ति हो या कुकुरमुत्ता हो, ये निराला जी की प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती हैं। आपको याद रख लेना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से बताइए निराला की कौन सी रचना प्रगतिवादी है। तो आपको पता होगा बेला, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। और कुकुरमुत्ता के नए पत्ते की बेला कैसी है? निराली है। तो कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और बेला, ये तीनों ही रचनाएं निराली से बनेगा आपका निराला, ठीक है। तो निराली हैं, ये आपकी ट्रिक है कि कुकुरमुत्ता के नए पत्ते की बेला निराली है, ठीक है। तो यहां से याद रखेंगे और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। पंख और पतवार के रचनाकार कौन है दोस्तों? पंख और पतवार, आपको पता है कि पंख और पतवार दोनों कहाँ चल रहे थे? कहाँ चल रहे थे? केदारनाथ में जब बाढ़ आई तो या तो पंख चल रहे थे, पंख यानी कि हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे पंखा से, या फिर नाव की पतवार चल रही थी, कहाँ पर? केदारनाथ में। तो ये दो ही चीज़ें हो रही थी, बाकी और कुछ नहीं हो रहा था, पंख या तो पतवार, कहाँ? केदारनाथ। तो केदारनाथ अग्रवाल इसकी रचनाएं होंगे। अब कभी भी पूछा जाएगा कि पंख और पतवार के रचनाकार कौन है, तो आप बोलोगे कि पंख चल रहा था या फिर पतवार चल रही थी, कहां पर? केदारनाथ। तो केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। इस प्रकार से कटे अंगूठे के बंधनवार के रचनाकार कौन है? कटे अंगूठे सुमित्रा नंदन पंत की है, निराला, केदारनाथ अग्रवाल या फिर शिव मंगल सिंह सुमन की है। कटे अंगूठे के बंधनवार, और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, अगर आप शिव की भक्ति करते हो तो आपके जो बंधनवार भी हैं वो सारे कट जाएंगे, है ना। कटे अंगूठे के बंधनवार और हम करते करते शिव की भक्ति, ये आपके कट जाएंगे, यानी कि शिव मंगल सिंह सुमन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोले शिव की भक्ति करते करते कटे अंगूठे के बंधनवार, कटे अंगूठे के बंधनवार शिव मंगल सिंह सुमन। हजार हजार बाहों वाली के रचनाकार कौन है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन। और आपको पता होगा कि हजार हजार बाहों वाला व्यक्ति भी आ जाए लेकिन नांग को नहीं पकड़ पाएगा। किसको नहीं पकड़ पाएगा? नांग को। तो ये रचना किसकी होगी? किसकी होगी? बोले सर हजार बाहों वाली भी आ जाएं तब भी नांग को नहीं पकड़ पाएंगे, तो नागार्जुन की रचना हो जाएगी हजार हजार बाहों वाली, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर अजय खंडहर के रचनाकार कौन है? अजय खंडहर बताना है दोस्तों, और चार विकल्प हैं, और आपको बताना है कि अजय कौन था। अजय कौन था? सुमित्रा नंदन पंत, राघव थे, केदारनाथ थे या फिर शिव मंगल सिंह सुमन। आपको पता होगा कि जो राघव थे, राघव ये अजय थे, इन्हें जीता नहीं जा सकता था, है ना। राघव से आपका बनेगा रांगे राघव, और अजय से अजय खंडहर। अजय खंडहर के रचनाकार कौन होंगे? रांगे राघव, है ना। अब आपसे कभी पूछा जाएगा अजय खंडहर किसकी है, तो बोले सर अजय तो राघव थे, तो राघव को जीता नहीं जा सकता, तो रांगे राघव की रचना है अजय खंडहर। मैं वक्त के हूँ सामने की रचनाकार कौन है? दो सेकंड आपको दिए जाएंगे, आपको उत्तर बताना है। मैं वक्त के हूँ सामने की रचनाकार कौन है? गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर या फिर अज्ञे। तो मैंने आपको कई बार याद करवाया हूँ दोस्तों कि वक्त के सामने क्यों खड़े हो गिरजा, वक्त के सामने क्यों खड़े हो गिरजा हो भाई। तो किसकी हो जी? गिरजा, तो गिरजा कुमार माथुर की, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि इसे 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। मैं वक्त के हूँ सामने के लिए गिरजा कुमार माथुर की रचना है, और इसे 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लाट का मोर्चा के रचनाकार कौन है? अब दो सेकंड आपको दिए जाते हैं, और दोस्तों प्लाट के मोर्चे में कोई सियार को उतारोगे कि शेर को उतारोगे, जल्दी से बताना है। प्लाट के, बोले सर बेटा प्लाट के मोर्चे में मैं सियार को नहीं शेर को उतारूंगा, यानी कि प्लाट का मोर्चा
शमशेर बहादुर, किसकी होगी रचना? शमशेर बहादुर का। अब याद रखना है आपको, प्लाट के मोर्चे में स्यार को नहीं शेर को उतारना है, तो शमशेर बहादुर यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, गीत फरोश के रचनाकार कौन है? गीत फरोश, चार विकल्प है, दो सेकंड आपको दिए जाते हैं। दोस्तों हमें किसके गीत गाना है? हमें गीत गाना है भवानी के। किसके गीत गाना है? भवानी के गीत गाना है। तो गीत फरोश रचना के रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? भवानी प्रसाद मिश्र, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। 1956 की रचना मानी जाती है। और अगला है दोस्तों, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? और चार विकल्प हैं और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आंगन के द्वार पर कौन खड़े हैं? अज्ञेय खड़े हैं। आंगन के द्वार पर अज्ञेय खड़े हैं और ये रचना अज्ञेय की है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चांद का मोह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? दोस्तों चार विकल्प हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर व्यक्ति को मुक्ति, व्यक्ति की मुक्ति हो जाए तो उसका जो मोह होता है वो सीधा नहीं रहता, ऐसा हो जाता टेढ़ा। चांद का मोह टेढ़ा, मुक्ति मिल गई तो चांद का मोह टेढ़ा हो जाता है। तो चांद का मोह टेढ़ा ये रचना किसकी होगी? मुक्ति बोध, यानी कि आपका जो सा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा, दोस्तों आपको पता है कि लोहा कितना भी गर्म हो, है ना, कितना भी गर्म हो, धर्म के पास आते ही ठंडा हो जाता है ना। लोहा कितना भी गर्म हो, धर्म के पास आते ही क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है लोहा। तो उत्तर आपका सही क्या होगा? धर्मवीर भारती। ये ठंडा लोहा रचना है धर्मवीर भारती, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, काट की घंटियां के रचनाकार कौन है? दोस्तों काट की घंटियां, अब चार विकल्प हैं, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर बहादुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर अज्ञेय। अब एक चीज बताना, काट की घंटियां यानी कि बहुवचन में शब्द है, घंटियां यानी बहुत सी घंटियां। अब काट की घंटियां हैं दोस्तों, तो इनका हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा कि कितनी घंटियां हैं। सर्वे करोगे कि ऐसे ही बता दोगे कि पांच हैं कि दस हैं? पहले काट की घंटियां का हमें सर्वे करना है। तो काट की घंटियां के रचनाकार कौन होंगे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, कुआनो नदी भी इनकी रचना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी नहीं है, काट की घंटियां, जंगल का दर्द भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, खूंटियों पर टंगे लोग भी इन्हीं की रचना है, इनको याद रख लेना है। सिर्फ सर्वे आपको याद करना, सर्वे काट की घंटियों का सर्वे करना है। बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको पता है दोस्तों, जब आप जाते हो कहाँ, भवानी के मंदिर में जाते हो, भवानी के मंदिर में, तो वहाँ पर इस प्रकार से आपको एक बुनी हुई रस्सी मिलती है ना, हाथ में बांधने के लिए पचरंगा धागा है। बुनी हुई रस्सी आपको भवानी के दरबार में मिलती है। कहाँ मिलती है? भवानी के दरबार में। बोले सर भवानी के दरबार में तो बुनी हुई रस्सी मिलती है, तो ये बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन होंगे? भवानी प्रसाद मिश्र, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगली है दोस्तों, महावृक्ष के नीचे 1977 के रचनाकार कौन है? गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, अज्ञेय या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। महावृक्ष के नीचे, है ना, हम बोलते नहीं है कि वहां वृक्ष के नीचे कौन सोया है? आप बोलोगे अज्ञेय, पता नहीं। वहां वृक्ष के नीचे, महावृक्ष के नीचे या फिर वहां वृक्ष के नीचे कौन सोया है? अज्ञेय, पता नहीं। अज्ञेय, तो ये अज्ञेय की रचना है, महावृक्ष के नीचे अज्ञेय। ठीक है, सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है सपना अभी भी के रचनाकार कौन है? दो सेकंड आपको दिए जाते हैं दोस्तों। सपना अभी भी है काय का? धर्म करने का। सपना अभी भी है धर्म करने का, तो धर्मवीर भारती, यानी उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, गुनाहों का देवता, सपना अभी भी है, ठंडा लोहा, ये सारी रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं, जिनको हमने ट्रैक से कई बार याद करवाया है। खूंटियों पर टंगे लोग, अब दोस्तों एक चीज बताना कि खूंटियों पर टंगे लोगों का हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि खूंटियों पर कितने लोग टंगे हैं। तो खूंटियों पर टंगे लोग का क्या करना है? सर्वे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये क्या हो जाएगी? रचना हो जाएगी। ठीक है, अगला है शिला पंख चमकीले के रचनाकार कौन है? दोस्तों एक पक्षी था, उसने बोला कि मेरे जो शिला पंख थे वो बहुत चमकीले थे, अब क्या हो गए हैं? गिर गए हैं, है ना। आपने जटायु का नाम सुना होगा,
बोले मेरे पंख शिला चमकीले थे अब गिर गए हैं, गिर गए, है ना। तो शिला पंख चमकीले ये किसकी रचना होगी, गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कामायनी एक पुनर्विचार की रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है कि कामायनी एक पुनर्विचार, और बहुत सारे लोग मुक्ति के लिए कहते हैं मुक्ति मिल जाए भगवान एक बार पुनर्विचार कर लो, है ना। कामायनी पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार, काय के लिए, मुक्ति के लिए एक पुनर्विचार, तो मुक्तिबोध की रचना हो जाएगी कामायनी एक पुनर्विचार। चांद का मोह टेढ़ा भी इन्हीं की रचना है, ये आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों दोआब की रचनाकार कौन है। दोआब चार विकल्प हैं, और दोआब के जो रचनाकार होंगे वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर यानी सा नंबर, है ना। दोआब भी इन्हीं की रचना है, प्लाट का मोर्चा भी इन्हीं की रचना है, और शमशेर बहादुर को दोस्तों कवियों का कवि कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन बनता है कवियों का कवि किसे कहा जाता था, तो आप बता देना शमशेर बहादुर को, ठीक है। खुशबू के शिलालेख के रचनाकार कौन है दोस्तों। खुशबू के शिलालेख, है ना, किसने देखे, भवानी ने देखे। खुशबू के शिलालेख भवानी ने देखे, तो खुशबू के शिलालेख के रचनाकार कौन होंगे, कौन हो जाएंगे, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। खुशबू के शिलालेख किसने देखे, भवानी ने, तो भवानी प्रसाद मिश्र खुशबू के शिलालेख, ठीक है। अगली रचना है दोस्तों भग्नदूत के रचनाकार कौन है। भग्नदूत, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने दूत भग गए, भग्नदूत, भग्नदूत यानी कि भग्न तो भग गए, दूत भग गए, है ना, तो कितने दूत भग गए, तो आप बोलोगे सर अग्गे पता नहीं कितने दूत भग गए, है ना। तो ए, है ना, ए हो जाएगी अग्गे की रचना भग्नदूत, ठीक है। अगला है भूरी भूरी खाक धूल की रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है कि जब व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए तो उसकी ये जो भूरी भूरी भूरा भूरा शरीर है ये सब खाक धूल में मिल जाता है। भूरा भूरा शरीर खाक धूल में मिल जाता है, जब मुक्ति मिल जाए तो ये भूरी भूरी खाक धूल रचना के रचनाकार कौन होंगे, कौन हो जाएंगे, मुक्ति, क्योंकि मुक्ति मिल जाए तो भूरी भूरी खाक धूल, है ना। अगला है दोस्तों धूप के धान की रचनाकार कौन है। और धूप के धान आपको पता है दोस्तों, आप अगर गांव में रहते हैं तो धान अगर अच्छी बारिश हो जाए और मिट्टी बहुत ऐसी हो जाती, बहुत पानी हो जाता है मिट्टी में, तो धान गिर जाती है, धान क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो धूप के धान, धान बोले सर गिर जाती है, तो गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला है जंगल का दर्द की रचनाकार कौन है। अब दोस्तों एक बात बताना, जंगल में बहुत सारे पौधे हैं और जंगल का दर्द आपको कैसे पता चलेगा, कैसे चलेगा, जब आप क्या करोगे, सर्वे करोगे। बोले सर जब हम सर्वे करने जाएंगे जंगल का दर्द क्या क्या है, है ना, तभी हमें जंगल का दर्द पता चलेगा। तो जंगल का दर्द की रचनाकार कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, सा नंबर, है ना। जंगल का दर्द सर्वे करना है, जंगल के दर्द का क्या करना है, सर्वे, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कितनी नाव में कितनी बार की रचनाकार कौन है दोस्तों। अब आप बोलोगे सर मैं कितनी नाव में कितनी बार बैठा, सब अज्ञे है, क्या है, अज्ञे, कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञे, तो अज्ञे यानी कि दा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। इसका दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि सीढ़ियों पर धूप में के रचनाकार कौन है। चार विकल्प हैं आपके पास, 2 सेकंड में उत्तर आपको बताना होता है, और मैंने आपको कई बार याद करवाया है दोस्तों कि बोले सर सीढ़ियों पर धूप में क्यों खड़े हो, तो कहा कि मैं खड़ा हूँ मेरी तो रघुवीर सहाय करते हैं, क्या करते हैं, रघुवीर सहाय करते, मैं सीढ़ियों पर धूप में खड़ा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी तो रघुवीर सहाय करते हैं, तो इसके रचनाकार कौन होंगे, रघुवीर सहाय करते हैं, बोले सीढ़ियों पर धूप में खड़े हैं तो रघुवीर सहाय करते हैं, तो रघुवीर सहाय की रचना हो जाएगी, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संशय की एक रात की रचनाकार कौन है। कई बार एग्जाम में पूछी गई दोस्तों, चार विकल्प 2 सेकंड में आपको उत्तर करके चयन करके बताना है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि संशय की एक रात में, संशय की एक रात में नरेश मेहता आए, संशय की एक रात में नरेश मेहता आए, ये आपकी ट्रिक है याद करने की, तो संशय की एक रात ये नरेश मेहता की रचना हो जाएगी, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संशय की एक रात में
नरेश मेहता आए, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, हम तुम की रचनाकार कौन है। हम तुम चार विकल्प हैं, चार में से आपको चयन करना है। और मैं आपको बता दूं, एक गाना आपने सुना होगा, हम तुम एक एक कमरे में बंद हो, सुना है ना। तो दोस्तों क्या कुंवर लोग, आजकल के जो कुंवर लोग हैं, कुंवर वो चाहते हैं कि हम तुम एक कमरे में बंद हो। तो यहां पर रचना है आपकी हम तुम, और कौन चाहते हैं, कुंवर लोग, तो कुंवर नारायण की हो जाएगी, कुंवर नारायण, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद करने का माध्यम है, ठीक है, कि आपको याद रहे, तो डी नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, संसद से सड़क तक की रचनाकार कौन है। बोले सर, संसद से सड़क तक धूल ही धूल मिलेगी, धूल मिलेगी, क्या मिलेगी, धूल मिलेगी, तो धूल मिल इस प्रकार से, धूल मिल, संसद से सड़क तक धूल मिल, तो धूल मिल की रचना है, सुदामा पांडे धूल मिल की, है ना। बोले सर, संसद से सड़क तक धूल ही धूल मिलेगी, धूल मिल, धूमिल, ठीक है, धूमिल साहब, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, धूमिल साहब हो जाएंगे इसके। अगला है, मृग और तृष्णा के रचनाकार कौन है। चार विकल्प हैं दोस्तों, मृग की तृष्णा किसे हो गई थी। बोले भगवान श्री राम को, हरि को, है ना, उसे हरि बोलेंगे, उन्हें उन्हें मृग की तृष्णा हो गई, वो मृग के पीछे पीछे भाग रहे थे, चित्र में देखो, तो मृग तृष्णा हो गई थी हरि को, भगवान को, श्री राम को, है ना, तो हरि को हो गई, तो हरि नारायण व्यास, हरि नारायण व्यास, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बोले हरि को क्या हो गई थी, मृग की तृष्णा, तो हरि नारायण व्यास की ये रचना है, बहुत ही बढ़िया रचना मानी जाती है और पूछी भी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य का स्वागत की रचनाकार कौन है। चार विकल्प हैं दोस्तों, आपको उत्तर बताना है, इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर बताना है। सूर्य का स्वागत कौन कर रहा है, रवि रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, सुदामा पांडे, धूमिल, ये दुष्यंत कुमार दो जगह है, तो आप दो में से एक कौन, कोई भी उत्तर बता देंगे कि सर सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार करेंगे, कौन करेंगे सूर्य का स्वागत, दुष्यंत कुमार, ठीक है। दोस्तों जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के, वो ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं और ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको पीडीएफ आदि स्टडी मटेरियल प्रेषित किया जाता है, आपका कमेंट जो है सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं, आपको तिरंगा इमोजी भी दिया जाता है, ठीक है। तो सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना हो जाएगी। जागते रहो के रचनाकार कौन है। आपने देखा होगा भारत में जो पहरा देते हैं वो कहते हैं जागते रहो, कहां पर, भारत में, तो कौन होंगे, भारत भूषण अग्रवाल। बोले सर, भारत में जो पहरा देते हैं वो बोलते हैं जागते रहो, कहां पर, भारत में, तो भारत भूषण अग्रवाल की रचना होगी, कौन सी, जागते रहो, ठीक है। अब आपसे कभी पूछा जाएगा कि जागते रहो के रचनाकार कौन है, आप बोलना कि जागते रहो पहरा देते हैं भारत में, है ना, तो ये बोलते हैं जागते रहो, ठीक है, इस प्रकार से। अगला है, आत्महत्या के विरुद्ध के रचनाकार कौन है। आत्महत्या के विरुद्ध, तो दोस्तों आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय नहीं करेंगे, है ना, सहाय, रघुवीर सहाय, बोले आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय करते हैं, आत्महत्या के पक्ष में नहीं करते, ठीक है। तो आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो इसको याद रख लेना, ए नंबर, ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, धूप में, है ना, सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय, इनको याद करेंगे, ये पूछी जाती रचना। परिवेश के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपने प्राचीन काल में पढ़ा होगा कि राजा महाराजाओं के पास कुंवर होते थे, बोले कुंवर हुए हैं, है ना, कुंवर हुए हैं, तो वो कुंवर को बहुत अच्छा परिवेश देते थे, क्या देते थे, परिवेश, किसको, कुंवर को, कुंवर को राजा महाराजा परिवेश देते थे, तो रचना परिवेश किसकी हो जाएगी, किसकी होगी, कुंवर नारायण की, किसकी, कुंवर नारायण की, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बोले कुंवर का परिवेश, कुंवर का परिवेश, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों, मछली घर के रचनाकार कौन है। आपने पढ़ा होगा पहले कि बोले मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बच्चे पढ़ते ना, अपन ने भी पढ़ा है बहुत, और मछली की रचना, मछली घर के जो रचनाकार हैं, और इसको याद करने की ट्रिक है, मछली घर में विजय देव पकड़े गए, कौन पकड़े गए, विजय देव पकड़े गए, तो मछली घर रचना हो जाएगी विजय देव नारायण शाही, मछली घर में विजय देव पकड़े गए, तो विजय देव नारायण शाही, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, डी नंबर। अगला है दोस्तों आपको, चांदनी और चुनर की रचनाकार कौन है। दो सेकंड में आपको उत्तर बताना है और इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौन है चांदनी और चुनर, शकुंत माथुर,
शकुंत माथुर, यानी कि शकुंत माथुर ने चांदनी की चुनर ओढ़ी। किसने? शकुंत माथुर ने चांदनी की चुनर ओढ़ी। तो चांदनी और चुनर की रचनाकार होंगे शकुंत माथुर, इस प्रकार से याद रखेंगे। क्या बोलोगे अब कि शकुंत माथुर ने चांदनी की चुनर ओढ़ी, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है, नाव के पांव के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपने देखे नाव के पांव? बोले सर नहीं देखे। तो ये किसने काट दिए? जगदीश ने। कोई जगदीश नाम का लड़का है, उसने नाव के पांव काट दिए। बोले सर जगदीश ने नाव के पांव काट दिए, तो क्या हो जाएंगे? नाव के पांव के रचनाकार होंगे जगदीश गुप्त। कौन होंगे? जगदीश गुप्त। किसने काट दिए नाव के पांव? जगदीश ने, ठीक है। तो नाव के पांव रचना किसकी होगी? जगदीश गुप्त की हो जाएगी, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मुक्ति प्रसंग कंकावती के रचनाकार कौन है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। और मुक्ति प्रसंग और कंकावती, ये दो रचनाएं हैं, और ये दो रचनाएं किसकी हैं? तो वो हैं राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी की मुक्ति का प्रसंग कंकावती से पूछो, है ना। राजकमल की मुक्ति का प्रसंग किससे पूछो? कंकावती से। तो राजकमल से हो जाएगा आपका राजकमल चौधरी, मुक्ति से हो जाएगा मुक्ति प्रसंग, कंकावती से कंकावती। तो राजकमल की मुक्ति का जो प्रसंग है वो किससे पूछो? कंकावती से पूछो। मुक्ति का प्रसंग कंकावती से पूछो, किसकी? राजकमल की, ठीक है। तो राजकमल चौधरी। अगला है दोस्तों, बांसुरी जल गई की रचनाकार कौन है? बांसुरी जल गई और जलकर क्या हो जाएगी? धूल में मिल गई। बांसुरी जल गई और धूल में मिल गई, तो कौन होंगे रचनाकार? धूल में मिल गई तो धूमिल, है ना, धूमिल। बांसुरी जल गई, धूल में मिल गई, तो धूमिल। याद रख लेना इस प्रकार से। बोले सर बांसुरी जल गई, धूल में मिल गई, यानी कि धूमिल, पांडे धूमिल, ठीक है। संसद से सड़क तक धूमिल ही धू, धू धू ही मिलेगी, धूमिल। संसद से सड़क तक धूमिल, बांसुरी जल गई, धू में मिल गई, है ना, तो धूमिल, इस प्रकार से। अगला देखो, अनुपस्थित लोग के रचनाकार कौन है? अनुपस्थित लोग, आपको पता है दोस्तों भारत के लोग बहुत अनुपस्थित होते हैं। आज के वीडियो में भी बहुत सारे लोग भारत के जो हैं अपने, वो सब अनुपस्थित हैं, है ना। तो अनुपस्थित लोग कहाँ के होते हैं? भारत के वो होते हैं सर, तो भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, है ना। क्योंकि भारत के लोग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, तो भारत से भारत भूषण अग्रवाल की रचना हो जाएगी अनुपस्थित लोग, ठीक है। अगला है दोस्तों, उठे बादल झुके बादल। उठे बादल और झुके बादल का हमें क्या नापना है? व्यास। उठे बादल और झुके बादल का व्यास नापना है, तो इसके रचनाकार कौन होंगे? हरि नारायण व्यास। अब मैं आपसे कहूंगा कि उठे बादल और झुके बादल का व्यास नाप कराओ, तो आप व्यास नाप कराओगे? बोले सर हरि नारायण व्यास, उठे बादल झुके बादल, ठीक है, इस प्रकार से। और उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, और सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला है, कुमानू नदी के रचनाकार कौन है? कुमार नारायण, दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, या फिर भारत भूषण अग्रवाल। कुमानू नदी, कुआं और नदी का क्या करके आओ? सर्वे करके आओ। मैंने कहा कि अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में कितने कुआं हैं, कितनी नदी हैं, सर्वे करके आओ। तो कुमानू नदी किसकी हो जाएगी? सर्वे करके आओ, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। काठ की घंटियां, है ना, कुठियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द और कुआनो नदी, ये पूछी जाती हमेशा, इनको याद रख लेना है। तो है ना, कौन कौन सा? जंगल का दर्द, काट की घंटियां, ठीक है, और एक और है दोस्तों, खूंटियों पर टंगे लोग। ये रचनाएं हमेशा आती हैं सर्वेश्वर दयाल सकनी की। बकरी भी इन्हीं की है दोस्तों, एक बकरी रचना है, बकरी, ठीक है। माया दर्पण के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा, या फिर भारत भूषण अग्रवाल। माया दर्पण, है ना, बोले सर माया के दर्पण में श्रीकांत वर्मा बन गए, है ना, माया के दर्पण में श्रीकांत वर्मा बन गए, याद रख लेना है आप, माया के दर्पण में श्रीकांत वर्मा बन गए, वर्मा बन गए, तो श्रीकांत वर्मा की रचना हो जाएगी कौन सी? माया दर्पण। माया के दर्पण में श्रीकांत वर्मा बन गए, ठीक है, इस प्रकार से। अगला है, मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? दोस्तों यहां पर जो विकल्प दिए हैं, इन विकल्प के अनुसार बताना है, नहीं तो अमृतलाल लांगर की भी रचना मिट्टी की बारात, शिवमंगल सेन सुमन की रचना भी मिट्टी की बारात है। और मिट्टी की बारात किसकी है? त्रिलोचन, त्रिलोचन की है। और त्रिलोचन आपको पता है, शंकर जी को त्रिनेत्र कहा जाता है, त्रिनेत्र, जिनके तीन लोचन है,
उन्हें त्रिनेत्र भी कहा जाता है और स्यो भी आता है स्यो, तो स्यो से स्यो मंगल से सुमन की है मिट्टी की बारात, और यहाँ पर त्रिलोचन आ रहा है तो त्रिलोचन की भी मिट्टी की बारात है, इसको याद रख लेंगे यानी कि आपका सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला दोस्तों, बोलने दो चीड़ को, बोलने दो चीड़ को, ये कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, कोई भिखारी बोलेगा कि राजा बोलेगा, है ना, राजा कुर्सी पर बैठता है ऊंचे और बोलता है कि बोलने दो चीड़ को, बोलने दो चीड़ को, तो बोलने दो चीड़ को बोला है नरेश, कौन बोला है, नरेश बोला है, तो नरेश मेहता है ना, कोई नरेश है और वो बोला है कुर्सी पर, ऊंची कुर्सी पर बैठा है, बोला बोलने दो चीड़ को नरेश मेहता, बोलने दो चीड़ को नरेश मेहता, और सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पतंग अनंत में की रचनाकार कौन है, एक पतंग अनंत में, और दोस्तों आपको पता है कि जो वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो भी एक कैसे थे, एक पतंग थे, है ना, पूरे भारत में उनका क्या था, वर्चस्व था, पूरे विश्व में था, ठीक है, और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले क्या हिंदी में भाषण भी दिया था, तो एक पतंग थे वाजपेयी जी जो कहाँ चले गए, अनंत में चले गए, अनंत में, ठीक है, तो एक पतंग अनंत में, कौन, वाजपेयी यानी कि अशोक वाजपेयी, और सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, अशोक वाजपेयी। ज्ञात से अज्ञात की ओर हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगला जो आपको प्रश्न है जिसका उत्तर आपको बताना है, कागज के फूल किसकी रचना है, कुंवर नारायण की, दुष्यंत कुमार की, अशोक वाजपेयी या फिर भारत भूषण अग्रवाल की, ये चार रचनाएं हैं, चार विकल्प हैं, इनमें से आपको चयन करके बताना है कि ये रचना किसकी है, ये विकल्प दोस्तों आपको कमेंट में करना है। जितने भी साथी देख रहे हैं सभी को ये चैलेंज प्रश्न का उत्तर बताना बहुत अनिवार्य है, ठीक है, और दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है और ज्वाइन मेंबर अवश्य बनना है, जो बन सकते हैं वो ज्वाइन मेंबर जरूर बने, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो 9098609291 इससे आपको जरूर जुड़ना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।